अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। इसे धो के बारीक बारीक काट लेंगे इसे छोटा छोटा, क्योंकि हम ग्राइंड नहीं करेंगे इसे, ऐसे ही बनाएंगे। तो आप कोशिश करें टमाटर का साइज़ भी छोटा हो और बारीक भी कटे। देखिए इस साइज़ का टमाटर को काट के रख लें। और ये बहुत जल्दी बनने वाली चटनी है, क्योंकि कम टाइम में ये रेसिपी मैंने शूट की है बहुत जल्दी जल्दी में। तो इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, जो कटे हुए टमाटर है हमारे उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है, क्योंकि टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो तेल भी ज़्यादा लगेगा आपको। 1 कप आप टमाटर डाल दें। और साइड में मैंने यहाँ पे चावल भी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम इसे स्टीम राइस के साथ ही सर्व करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून नमक का, 1/4 नमक मिर्च अच्छा होगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि ये टमाटर है और खटास भी रहती है, तो इसलिए आप मसाले अच्छा डालें। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर हमारे पानी छोड़ेंगे, तो आप पानी बिल्कुल भी मत डालें। स्लो फ्लेम पे आप रखें इसे, अच्छे से पहले मिक्स कर लें, ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखिए इस सूप को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा फ्रेश करी लीव्स। देखिए चटनी के बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं, आप इसको मसाले लगा के भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी वो रेसिपी अपलोड करूँगी मैं। ये बहुत जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली चटनी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए थोड़ा सा फ्रेश करी लीव्स मैंने ऐड कर लिया है इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो आप ज़रूर से ऐड करें इसमें। देखिए तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 विजिल होने दिए हैं इसके। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जो भून भून के भी बनती है ना फ्रेंड्स चटनी, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जो टमाटर को तल के ग्राइंड करके बनाते हैं वो बहुत डिफरेंट है और ये बहुत डिफरेंट है, इसे आप देसी स्टाइल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने और थोड़ा करी लीव्स और हरी मिर्ची भी ऐड कर ली है, और इसको जितना हो सकता है आप उतना अच्छे से भूनें, ताकि हमारे टमाटर तो गल चुके हैं, अब हम इसे अच्छे से मैश करना होता है, जो हम लकड़ी के चमचे की मदद से अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। इसका पानी जो भी है इसे भी अच्छे से सुखा लेंगे, और ज़्यादा सूखी नहीं रखूँगी मैं इसे, थोड़ी ग्रेवी के साथ ही रखूँगी, ताकि ये चावल और रोटी दोनों के साथ चले जाएगी डिश। तो अगर आप सूखा बनाएंगे तो आप फिर रोटी के साथ खा सकते हैं, बमुश्किल खाने के साथ भी खा लेंगे, लेकिन अगर ये ग्रेवी वाली रहेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
देखिए यहाँ पे टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें। मैं एक्स्ट्रा बना के इसका पाउडर रखती हूँ ताकि जब इमरजेंसी होगी तो आप उसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा धनिया का पाउडर इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसको फिर अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और मेरे चैनल पे मैंने नींबू के अचार की रेसिपी भी अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसको अच्छे से भूनते थोड़ी टाइम हो गया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। और अगर आपके पास मेथी की भाजी है तो वो भी आप इसमें ऐड करें, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए इसका पानी बहुत कम हो चुका है भूनते भूनते हमें। तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है टमाटर का, और ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी मैं इसमें, बस थोड़ी लाइट सी ताकि एकदम ड्राई ना दिखे। इतना सा टमाटर को मैश करते जाएं। देखिए इस तरीके से अब हम रख लेते हैं यहाँ पे तड़के के लिए कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने चटनी में डाला है और 1 कप ऑयल हम बघार के लिए लेंगे। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ डालेंगे हम राई, जीरा और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, इसको बीच से कट लगाएं और इसमें ऐड करें। और करी लीव्स डाला है मैंने यहाँ पे। देखिए असल चटनी में ना ज़्यादा फ्लेवर करी लीव्स ही देने वाला है, तो आप अच्छी क्वांटिटी में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून हींग का ऐड किया है, बघार में हींग अच्छा फ्लेवर देती है, तो आप लोग भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें वरना स्किप कर दें। मेरे पास अवेलेबल था मैंने इसलिए ऐड कर लिया है। अब इसको हम बघार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स पक पक के ये और थोड़ी हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप लोग, बस इतनी सी मुझे चाहिए। जो बघार है हमारा इसमें ऐड कर लेंगे हम, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें। ना आपको तलने का झंझट है ना ही ग्राइंड करने का, तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे स्टीम राइस के साथ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। देखिए जितना दिखने में ये खूबसूरत दिख रहा था उसी तरह खाने में भी बहुत अच्छा था टेस्ट इसका, तो आप लोग भी ट्राई करें। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।